हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एम स्पीयर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ महीना पहले मैंने फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन सीट बाई किया था, फ्लावर सीट। तो उसका नेक्स्ट अपडेट लेकर आई हूँ। पिछले वीडियो में मैंने एक महीने का रिजल्ट शेयर किया था। इस टाइम पे अभी 2 से 2.5 महीने होने को हैं इन सारे फ्लावर सीट के। तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ, ये मैंने पीछे जो लगाया था ना थोड़ा, तो उसका रिजल्ट आपको दिखा रही हूँ, जो काफ़ी छोटे छोटे हैं। और ये जो मैंने बहुत पहले ही लगाया था सनफ्लावर, पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा, ये भी देखिए अच्छे से खिला हुआ है। और इसके जो पत्ते हैं थोड़े पतले पतले से, और एक पौधे में एक ही फूल आया है ऐसा मुझे देखने को मिला। मुझे ऐसा उम्मीद नहीं था इससे। और यहाँ पे पिटूनिया की काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रखी है। इसमें मैंने 3 पौधे लगा रखे थे, और ये कैलेंडुला जो कि मैंने पहले से ही लगा के रखा था, ये ऑनलाइन नहीं है। ये जो है, ये ऑनलाइन जो मैंने सनफ्लावर के सीड रखे थे दोबारा मैंने डाला था। ये थोड़े से छोटे थे, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं जाकर। तो ये अभी देखिए, इसके पत्ते थोड़े चौड़े चौड़े हैं, देखते हैं फूल कैसा आता है। और बाकी ये जो ऑनलाइन कैरेंडुला मिल रहा था मुझे वो है, और ये वर्बीना के 3 पौधे थे लेकिन 2 सूख चुके, 1 बचा है। तो एक बचा ही रहेगा क्योंकि ये काफ़ी हेल्दी प्लांट है। और ये देख सकते हैं पिटूनिया, जो कि स्टार्टिंग में ही मैंने लगाया था, तो पिटूनिया की काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रखी है। और ये है कॉस्मोस, इसका नाम तो कुछ ऐसा ही था, कॉस्मोस। और उसमें फ्लावर छोटे छोटे से देख सकते हैं आप लोग आ रहे हैं। और इनके जो पेटल्स हैं ना, अभी थोड़े घने घने से आने लगे हैं। ये कुछ दिन पहले मैंने रिकॉर्ड किया था, तो पता ना इसमें ऐसा क्यों आ रहा है। मैंने तो कॉस्मोस के फ्लावर देखे हैं, थोड़े डिफरेंट होते हैं। और ये है डेजी। डेजी में बहुत सारे प्लांट यहाँ पे अच्छे हो गए थे, तो मैंने उनको थोड़ा डिवाइड कर दिया, दूसरे गमले में लगा दिया है। और ये पॉपी, पॉपी करके ही इसका नाम है, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो ये भी आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे गाजर का पौधा हो और वो धनिया का पौधा हो, पर ये फ्लावर है। तो देखते हैं इसमें कैसे फूल आते हैं। और ये है स्टॉक, इसको मैंने काफ़ी टाइम बाद, इसका 1 महीने का रिजल्ट ये है। अभी काफ़ी स्लो ग्रोथ हो रही है इसकी। और ये जो मैंने कुछ गमले मंगाए थे ऑनलाइन ही, मैंने गमला भी लिया था, तो कुल 10 गमले मुझे मिले थे। और इसमें देखिए मैंने इन सबको अलग अलग डिवाइड करके लगा दिया है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, इस पिटूनिया का ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। दोनों साथ ही मैंने लगाया था और दोनों का अलग अलग रिजल्ट है, एक में काफ़ी घना और एक में थोड़ा कम है। और ये है आइस प्लांट, जो कि 2 ठो तो काफ़ी अच्छे से हुआ है ग्रो, और बाकी सब छोटे छोटे हैं। तो देखते हैं टाइम आने पर शायद वो भी ठीक ठाक हो जाएंगे। और ये है डेंथस, डेंथस की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। और बहुत सारे प्लांट देख सकते हैं आप लोग, अच्छे से हेल्दी हेल्दी प्लांट निकल आए हैं। अब देखते हैं इसमें फूल कौन से कलर का आता है। तो काफ़ी बेसब्री से वेट कर रही हूँ मैं इन सारे प्लांट में कैसे कैसे फूल आते हैं देखने को। और ये है कैलेंडुला, जो कि मैंने ऑनलाइन लिया था, तो उसी का ये सीड है जो अभी इसमें फ्लावर पॉट भी बन गए हैं, तो बहुत जल्द फूल आने वाले हैं। और इसमें मुझे नहीं पता कैसा फूल आएगा, लेकिन ये भी ऑनलाइन जो मुझे सीड मिला था मैंने वही डाला है, पर इसका नाम मुझे नहीं पता। और ये है पेंजी, और इसी के साथ यहाँ पे एक डेजी फ्लावर का भी प्लांट है। तो पेंजी अभी 1 फूल आया, और ये कम से कम 5 से 6 दिन तक ऐसे ही टिका रहता है। अभी इसको खिले 5-6 दिन हो गया है, और मुझे लगता था कि सब 1 दिन में मुरझा जाने वाले फूल हैं, पर नहीं। जो इससे पहले मैंने कॉस्मोस का छोटा छोटा सा येल्लो फूल दिखाया ना, वो भी अभी 5-6 दिन लगातार एक ही फूल शाम तक सिकुड़ जाता है, सुबह में खिल जाता है, ऐसा होता है। और ये एलाइजम देख सकते हैं आप लोग, कितना प्यारा लग रहा है। अभी धीरे धीरे ये काफ़ी ज़्यादा ब्लूम हो रहा है, काफ़ी घना हो जाएगा, पूरा वाइट वाइट हो जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे से आ रहे हैं। और ये तो मैंने ऑनलाइन बाई नहीं किया है, पर मैंने इसको मार्केट से लिया है। तो ये देख सकते हैं, अभी विंटर सीजन के फ्लावर कितने अच्छे लगते हैं ना, कलरफुल, बहुत अच्छे लगते हैं। और ये काफ़ी अच्छे से ब्लूम हो रहे हैं, और रेड है मेरे पास, पर्पल है, और ये कैलेंडुला है जो कि येलो कलर में है। और उसके बाद यहाँ पे मुझे गुलदावरी भी येलो मिला है, तो वो भी अभी लेकिन वो खिला नहीं है, तो देखते हैं।
और आप सभी को कैसा लगा ये अपडेट? मतलब मैं बहुत खुश हूँ, फ्लिपकार्ट से जो मैंने फ्लावर सीड्स ऑर्डर किया था, मतलब काफ़ी हद तक पैसा वसूल है। अभी और सारे फ्लावर्स आने बाकी हैं, पिटूनिया खिलने के बाद देखते हैं कैसा कैसा कलर निकलता है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। और ये जो मैं अभी शेयर कर रही हूँ, ये ऑनलाइन नहीं, ये बस हमारे घर का है, तो ये मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। और आप सब बताइएगा आप सबको कैसा लगा ये वीडियो। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अभी विंटर में इतने कलरफुल फ्लावर्स खिलते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। गार्डन में अगर इक्का दुक्का भी लगा दिया जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं मैरीगोल्ड है और कितना प्यारा लग रहा है। और ये छोटा वाला जो जाफरी गेंदा कहलाता है ना, ये है। तो चलिए, वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट अपडेट फूल के साथ ही लेकर आऊँगी।